हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआरजी गेमर। तो आज हम बताएंगे आपको प्री ऑर्डर का एलाइट पास 18 क्या है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं एलाइट पास 18 का रिव्यू कर चुका हूँ पहले कॉस्ट्यूम का, तो मैं आज आपको बताऊँगा प्री ऑर्डर के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो दो बंडल हैं ये हमें देखने को मिलेंगे न्यू एलाइट पास में, जिसमें है शायद 5 से 6 डेज। तो बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ मिलने वाली है प्री ऑर्डर पर। जो प्री ऑर्डर पर मिलने वाला है भाई, वो कुछ अलग सा है। तो मैं आपको बता तो चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या मिलने वाला है। भाई मुझे तो पसंद है, लेकिन 900 डायमंड है भाई। असल में प्री ऑर्डर थोड़ा महंगा होता है, तो देखते हैं। मुश्किल ही है, लेकिन चांस बन गया तो देखेंगे, लेने का सोचेंगे। लेकिन बता देता हूँ कि आपको मिलने वाला है क्या प्री ऑर्डर में। तो अगर कोई लेना चाहे प्री ऑर्डर तो ले सकता है। मुझे एक से जो मेल बंडल है और फीमेल बंडल, इस टाइम तो अच्छा नहीं लगा था। जो फीमेल बंडल है उसका मुझे जो हेयर स्टाइल था वो अच्छा लगा था, और कुछ इसमें 2000 चीज़ें अच्छी लगी थी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको प्री ऑर्डर अच्छा लगा कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस दफ़ा हमें जो मिलने वाला है वो है हमें जो रेड कलर की ग्लू वाल। जी हाँ, तो रेड कलर की ग्लू वाल आप देखी होगी, जो कि सबसे ही अलहदा तो अच्छा लगता है काफ़ी जगह पे, क्योंकि सब ने ग्लू वाल वाइट लगाई हो, बीच में रेड ग्लू वाल आई हो, तो यार उसका जो होता है ना बड़ा मज़े वाला होता है कि अलग ही नज़र आता है। चलो मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूँ ग्लू वाल के, थोड़ा रिव्यू भी दिखा दूँगा कि जो हमारे पास वीडियोज़ आई हैं तो दिखा देता हूँ। जी हाँ, देख सकती हो कि ये होगी वो ग्लू वाल जो कि मिलेगी प्री ऑर्डर में। तो भाई अच्छा लग रहा है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ सबके पास होती है ना वो इतनी रियर नहीं रहती। जो चीज़ किसी के पास नहीं हो वो रियर होती है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है हमारा न्यू डायमंड रॉयल। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यू डायमंड रॉयल है वो है ये, क्योंकि जब हम गेम ओपन करते हैं तो हमें उसमें 5 बंडल नज़र आते हैं। जो राइट पर सबसे लास्ट वाला बंडल होता है वो है ये बंडल, जो कि होगा हमारा आने वाला न्यू डायमंड रॉयल। तो अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, बस सिंपल सा ही है। तो मुझे तो इतना ख़ास नहीं लगा जितना ख़ास होना चाहिए। तो देखते हैं, जब आएगा तो बात करेंगे। बाकी जब रियल में आएगा तो थोड़ा मैं आपको इसको थोड़ी मतलब कि ओपन करके दिखा देता हूँ पूरा बंडल की किस तरह ही दिखेगा, तो शायद उसमें अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं, तो यार मुझे नहीं पसंद आया भाई। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। लेकिन भाई मेरे इस मैं जो हूँ ना, इसको 10 में से सिर्फ एक नंबर भी दूँ तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगा यार मुझे कुछ। मतलब जब डायमंड रॉयल पे है, क्योंकि हम इतने स्पिन मारते हैं 10 स्पिन 15 20, तो उसमें तो कोई अच्छा रियर आइटम देना चाहिए इनको, तो यार ये डाल दिया इसमें, तो भाई मुझे नहीं समझ आया। इसको तो गोल्ड रॉयल में डालना चाहिए, नहीं तो इनको चाहिए कि ये FF टोकन में डाल दें। FF टोकन के लिहाज से भी ये परफेक्ट है क्या, क्योंकि इतना रियर नहीं है। तो क्योंकि पहले भी ग्रीना फ्री फायर जो कि ब्लैक वाला सूट है वो ऑलरेडी दे चुकी है गेम वो जो FF टोकन में, तो इसको भी देने में कोई हर्ज तो नहीं है। दे सकती थी अगर हाँ कोई फुल बंडल होता, कोई रियर आइटम इतना खास होता, तो बंदा सोचता भी है कि यार मैं इसको स्पिन करूं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है इसका। तो डायमंड रॉयल में भी आ चुका है 50% ऑफ, तो जाके आप स्पिन कर सकते हैं अभी। तो मैं हर मर्तबा की तरह यही कहता हूं कि जब भी कोई न्यू स्पिन आता है तो उसको हर गेज स्पिन मत कीजिया करें, थोड़ा वेट किया करें ताकि उसमें 50% ऑफ आए, उसके बाद आप परचेजिंग तो स्पिन करें, क्योंकि आपके फिर चांस होते हैं ना वो 50% बढ़ जाते हैं। वैसे आप क्या करोगे कि एक अगर स्पिन मारते हो तो नहीं निकलता, तो 2 में निकलता है, तो उसमें चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप 5 मार रहे हो तो तब आप 10 स्पिन मार सकते हो। तो चलो वो तो बात रही बात की, तो बात कर लेते हैं डायमंड रॉयल की। तो बाकी इसमें एक केप है, एक शर्ट है, एक पैंट है, और नीचे शायद है कोई चप्पल, बूट तो मुझे लग नहीं रही है, कुछ इस तरह की नज़र आ रहा है फिलहाल। तो यार इसमें कुछ रियर तो नहीं लग रहा, सिंपल ये बिल्कुल। तो बस सिंपल सा एक हार है गले में, जो कि थोड़ा सा लोग लें तो उसको फेमस होने के लिए लोग जो होते हैं कोई बंडल में कोई एक चीज़ देख के लेते हैं, तो हो सकता है जो उसके गले में हार सा पहना हुआ है इसको तो लोग पसंद करें। लेकिन ये शायद जो शर्ट होगी ना उसके साथ है, तो अगर फेस के साथ होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि जो ज़्यादा मास्क आते थे मुंह पे पहनने वाले जो रुमाल टाइप, तो लोगों ने उस टाइप में ना मतलब कि काफ़ी लाइट पास लिए थे उस वजह से वो टॉप अप वगैरह किया था। तो बस यही वीडियो थी आज की, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अगर मेरे नोटिफिकेशन नहीं आते तो आप कम्युनिटी टैब में भी जाकर चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोज़। तो बस यही वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय फ्रेंड।